मध्य प्रदेश में नए साल के आगाज के साथ ही शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छुट्टियों से लौटते ही 2023 के रोडमैप पर काम करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर सोमवार को उन्होंने बड़ी बैठक की, जिसमें सीएम ने सभी विभागों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1,14,000 भर्तियाँ निकाली हैं, इनकी प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरी हो जाए। बैठक पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अफसरों पर प्रेशर के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। तो गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 2023 का रोडमैप मंत्रियों ACS PCS कमिश्नर्स को बताया है। सीएम ने स्पष्ट कहा कि 23 मार्च को सरकार के 3.5 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को विभागवार पेश किया जाएगा। सीएम ने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम दोनों को विभाजित करने के लिए कहा है। जैसे कोरोना अर्जेंट काम था, हमें बाकी काम रोकने पड़े। जनवरी महीने में ही 4 प्रमुख काम हैं जिनमें प्रदेश की छवि ग्लोबल लेवल पर बनेगी। बैठक में चीता प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की गई और इसके अलावा सहरिया भारिया समेत अलग अलग वर्गों की पंचायतें शुरू होगी। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस को अद्भुत और उत्सवी माहौल में मनाया जाएगा। मंत्रियों चिंतन शिविर में भी जो रोड मैप उभर के आया था, अब वो भी पूरा तैयार हो चला है, उसको भी प्रस्तुति होनी है। और इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाएं जो होती है, कि हितग्राही मूलक योजनाओं का समय पर भुगतान सुनिश्चित हो जाए। ऐसा न हो कि संबल वाला हितग्राही परेशान हो रहा हो या कोई बीच में दिक्कत आ रही हो। कई विभाग ऐसे हैं जिनकी माइक्रो मॉनिटरिंग अब प्रारंभ करने का भी निर्देश उन्होंने मंत्रियों को, प्रभारी मंत्रियों को दिया।